अयोध्या में कामांध युवक ने गौवंशों के साथ दुष्कर्म कर महापाप की घटना को अंजाम दे दिया। अयोध्या में नयाघाट क्षेत्र के सरयू किनारे स्थित गौशाला करतलिया बाबा मंदिर के समीप रात्रि विश्राम कर रहे गौवंशों के साथ दुष्कर्म की वारदात की। यह सारी वारदात पास में लगी करतलिया बाबा आश्रम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की शिनाख्त राजकुमार निवासी गौड़ा का रहने वाला है। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके धारा 377 511 व पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं करतलिया आश्रम के महंत रामदास ने पुलिस पर घटना में हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। महंत रामदास के अनुसार यह पूरी घटना 16 मई की है, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को खोजबीन कर 20 मई को रात में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पाँच 2019 को रात में 2:55 पर हमारे सीसीटीवी फुटेज में आश्रम गौशाला कुटी करतलिया बाबा गौशाला कुटी के नाम से आश्रम है, उस पर खाली पड़ी जमीन पे 10-11 गौ माता बैठी थी। पड़ोस का ही एक राजकुमार नामक व्यक्ति गोंडा नवाबगंज का निवासी गौओं के साथ एक एक बार करके 3 मंदिर से आया और हर गौओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था। फिर हमने देखा सुबह दूसरे दिन 17 तारीख को, तो कोतवाली अयोध्या में हमने तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय। तो फिर हम कल शाम को 7:30 हम लोगों ने और स्थानीय लोगों की मदद से उसको पकड़ के आईसी नयाघाट को दिया गया। आईसी नयाघाट बोले कि अयोध्या कोतवाली ले चलिए, तो अयोध्या कोतवाली ले गया गया। फिर से एप्लीकेशन लिखवाए, हम लोगों ने फिर से एप्लीकेशन लिखा। उसके बाद जो है अब उसके खिलाफ FIR हुआ है, अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। सर क्या करें? देखिए, इसमें एक FIR कायम हुई है थाना अयोध्या में, जिसमें 377-511 का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम भी लगाया गया है। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है जिसने यह कृत्य किया है, उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और कर रहे हैं।